हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीन। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे शोल्डर वर्कआउट विद रेजिस्टेंस बैंड। और हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी बॉडी वी शेप दिखे, तो आप अपने शोल्डर को अच्छे से ट्रेन जरूर करें। दोस्तों, जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की ब्रॉडनेस की वजह से ही हमारी बॉडी वी शेप दिखता है। तो अपने शोल्डर का ट्रेन हफ्ते में कम से कम 2 दिन अवश्य करें। नाउ दोस्तों, जो हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर है, इसमें 3 मेजर मसल्स होते हैं। जो पहला है ये सामने का, ये फ्रंट और इंटीरियर डेल्टास बोलते हैं इसको। जो साइड का है ये मिडिल डेल्टास और लेटरल डेल्टास बोलते हैं। इसके साथ जो बैक का पोर्शन है हमारा, रियर डेल्टा बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, हम इन 3 मेजर मसल्स को ध्यान में रखते हुए इनको ट्रेन करेंगे। इसके साथ ही हम ट्रैप का भी वर्कआउट करेंगे। ये जो हमारा ट्रैप है, इसको शोल्डर ब्लेस भी बोलते हैं। ये एक कॉमन मसल है जो कि शोल्डर और अपर बैक के पोर्शन में आता है। नेक्स्ट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बॉडी को, अपने शोल्डर को वार्म अप करेंगे। इसके लिए मैं पहले वार्म अप एक्सरसाइज करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सिंगल हैंड रोटेशन करूँगा, हैंड फॉरवर्ड बैकवर्ड चेंज, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, फोर हैंड फॉरवर्ड चेंज बैकवर्ड, शोल्डर रोटेशन बैकवर्ड। तो दोस्तों, अब वार्म अप हो चुका। दोस्तों, मैं पहला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ फेस पुल। और फेस पुल करने के लिए मैं इस रेजिस्टेंस बैंड को शटर से अटैच कर दिया हूँ। अटैच करने के साथ मैं पहला एक्सरसाइज करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीधे करेंगे और अपने जो लेग्स हैं पैर, उसको शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। शोल्डर रेजिस्टेंस बैंड को फेस की तरफ पुल करेंगे। हमारा पहला एक्सरसाइज हो चुका। हमें हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट करने हैं और प्रत्येक एक्सरसाइज का हर सेट पे कम से कम 10 से 12 रोटेशन अवश्य। फ्रेंड्स, अभी जो हमने फेसपुल एक्सरसाइज किया, इस एक्सरसाइज के द्वारा हमारे 3 मसल्स कॉन्टैक्ट होते हैं। हमारा रियर डेल्टा, जो हमारा शोल्डर का पोर्शन है, इसके साथ ही हमारा शोल्डर ट्रैप, शोल्डर ब्लेड जो कॉलर कहलाता है, इसके साथ ही हमारा अपर बैक, जो बैक का पोर्शन है, ये अपर बैक। तो 3 मसल्स इस फेसपुल एक्सरसाइज के द्वारा ट्रेन होते हैं। जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है, वो है सिंगल आर्म्स रियर डेल्टा। दोस्तों, मैं सिंगल आर्म डेल्टा के लिए मैं रेजिस्टेंस बैंड को सटर से अटैच कर दिया हूँ। अब इसके लिए सही पोजीशन, हमें सबसे पहले स्ट्रेट खड़े होना है। इसके बाद अपने दोनों लेग्स को शोल्डर के अकॉर्डिंग ओपन करना है। इसके साथ अपने हाथ से इस रेजिस्टेंस बैंड को अच्छे से ग्रिप के द्वारा पकड़ना है। इसके बाद हमें अपने कोर टाइट रखने हैं और जो लेफ्ट हैंड है इसको पीछे की तरफ अटैच कर लेंगे। दोस्तों, इसका भी हम 10 से 12 रिपीटेशन निकालेंगे। ये जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज था, इसके द्वारा हमारा रियर डेल्टा ट्रेन होता है। इसके साथ ही जो हमारा कोर का पोर्शन होता है, इस पर भी फोकस पड़ता है। दोस्तों, अब जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है, वो है स्ट्रेट आर्म्स फ्रंट रेज। ये जो हमारा फ्रंट डेल्टा है, इंटीरियर डेल्टा, इसके लिए ये एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्ट्रेट खड़े होंगे और अपने हाथों को सीधे रखेंगे, सीधे ग्रिप में रेजिस्टेंस बैंड को अच्छे से पकड़ लेंगे। इसके बाद सामने की तरफ शोल्डर के बराबर पुल करेंगे। हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज है, ये मिडिल डेल्टा के लिए है। इसका सेम पोजीशन फ्रंट रियर डेल्टा के समान ही रहेगा। सबसे पहले हम सीधे स्टैंड हो जाएंगे, दोनों हाथों से रेजिस्टेंस बैंड को अच्छे से ग्रिप करेंगे। तत्पश्चात हम दोनों हाथ को साइड बाय साइड शोल्डर के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ पुल करेंगे। हमने लेटरल डेल्टा एक्सरसाइज किया, उसका मेन फोकस हमारे मिडिल डेल्टा पर होता है। इसको लेटरल डेल्टा नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब जो हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज है, फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज है, वो है अपराइट रोल। उसको हम रेजिस्टेंस बैंड की सहायता से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी स्टैंड स्ट्रेट, देन आफ्टर दोनों हाथों से अच्छे ग्रिप के द्वारा रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ेंगे। इसके बाद दोनों रेजिस्टेंस बैंड को ऊपर की तरफ क्लिप करना है। दोस्तों, अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज फिनिश। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह आपको पसंद आएगा। दोस्तों इसी तरह के इनोवेटिव कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।